हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ टीचर, यानी कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप अगर टीचर बनना चाहते हो तो किस तरह से आप टीचर बन सकते हैं, टीचर बनने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या, स्टेप बाय स्टेप कौन से प्रोसीजर आपको फॉलो करने होंगे, कौन सा एग्जामिनेशन आपको देना जरूरी है, कौन से जो क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, कौन सी आपको जो डिग्री है कौन सी वो परस्यू करने की तो आप टीचर बन सकते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सैलरी क्या रहेगी, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर जैसे ही हम अभी जैसे टीचर के ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दे रहे, आप लोगों के करियर गाइडेंस में हेल्प कर रहे, उसी तरह से अगर आप करियर गाइडेंस के ऊपर कोई और वीडियो बनाते हैं, लाइक प्राइमरी स्कूल टीचर किस तरह से बनना है, सेकेंडरी स्कूल टीचर किस तरह से बन सकते हैं, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं जानना कि हाउ टू बिकम अ टीचर। तो गाइस, इसके लिए यहाँ पे जो भी मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, अगर आप वो मैनुअली चेक करना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आके फुल डिटेल जो है चेकआउट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू बिकम अ टीचर, टीचिंग डिग्री, टीचिंग क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तो ये सारी की सारी जो ये मेजर सारी की सारी वो मेजर टॉपिक्स है जो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो क्या इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे जो है और अच्छी तरह से दिखाई दे। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीचर जो है एक अच्छा करियर होने के साथ साथ आप इसे एक तरह से ये भी कह सकते हैं एक वॉलंटियर ऑप्शन है ये, यानी कि आपको इसमें इनडायरेक्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो वॉलंटियर करना रहता है, और स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया, जो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा बेसिक नीड है मॉनिटर ग्रोथ के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए, अगर आप अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन होना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों आपको जो है एजुकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और एजुकेशन यानी कि जो डिमांड है यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स की, टीचर्स की, वो हर लेवल पे आई है, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, प्री प्राइमरी लेवल हो, हर एक जो इंस्ट्रक्टर यानी कि टीचर्स है उनकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा हाई है। सो गाइस, अगर आप अपने आप को इस फील्ड में देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। आई होप कि इस वीडियो देखने के बाद आपके जो जितने भी डाउट्स हैं हर एक डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, किस तरह से आप टीचर बन सकते हैं, कौन से जो आपके क्वालिफिकेशन होने चाहिए, हर एक चीज़ आपको इस डिटेल में मालूम पड़ जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है डिटरमाइन दैट लेवल यू हैव प्रेफर टू टीच, यानी कि आप जो है कौन से लेवल को टीच करना चाहते हैं, कौन से क्लास को, यानी कि आप फर्स्ट टू फिफ्थ को पढ़ाना चाहते हैं, सिक्स टू एट को पढ़ाना चाहते हैं, कौन से क्लास को आप पढ़ाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। लाइक आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल हो गई जो फर्स्ट टू एट तक रहता है, यानी कि फर्स्ट टू एट तक क्लास रहती है प्राइमरी स्कूल, यानी कि एज हो गई 6 to 14 तक स्टूडेंट्स की, और सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं या तो फिर आप 9th या 10th क्लास स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं जिनकी एज 14 to 16 ईयर्स रहती है, जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स रहती है, या तो फिर आप जो है 11th या 12th स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं जिनकी एज 16 to 18 ईयर रहती है। तो आपको जो सबसे पहले अपना जो है लेवल चूज करना है कि आप कौन से ग्रेड के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, फर्स्ट टू एट 9th या 10th या फिर 11th या 12th। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो है डिसाइड विच सब्जेक्ट यू हैड टू प्रीफर टू टीच, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आप जो है पढ़ाना चाहते हैं। लाइक अगर प्राइमरी स्कूल की बात की जाए तो आप पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता था, लेकिन आजकल जो प्राइमरी स्कूल में भी स्पेशलाइजेशन होता है, फिर उसी के साथ आप जो भी लाइक आप चाहे तो इलेक्टिव वोकेशनल ट्रेनिंग या म्यूजिक ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी उसके भी टीचर आप बन सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो है सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा जिसके रिगार्डिंग आप जो है स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, स्पेशल टीचर बनना चाहते हैं। फिर आप थर्ड देख सकते हैं गेट एन अप्रोशिएट टीचिंग डिग्री, यानी कि आपको जो है फिर इसके बाद एक डिग्री लेना जरूरी है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 3 लेवल्स है यहाँ पे टीचिंग डिग्री के, जो सबसे पहला एक डिप्लोमा हो गया, बैचलर्स हो गया और मास्टर्स, ये 3 अलग अलग लेवल है। और अगर आप जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए, और उसी के साथ गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं DTET और BEd, यानी कि 2 प्रोग्राम्स रहते हैं 2 ईयर्स के, और उसी के साथ MEd की बात की जाए तो MEd जो है 1 ईयर्स का प्रोग्राम रहता है। लेकिन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रोग्राम आप कंप्लीट करेंगे सबके जो क्वालिफिकेशन जो अलग अलग रहेंगे। आपको DEd में जाने के लिए सबसे पहले आपका जो 12th पास रहना चाहिए, आप जो ग्रेजुएट रहना चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप पास आउट होने चाहिए, उसके लिए बाद ही आप जो इस डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात की जाए आपको अगर बैचलर्स की डिग्री चाहिए तो बैचलर ऑफ आर्ट साइंस के लिए आपको जो है BEd कोर्स जो है के टाइम पे आप जो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप MEd कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो MEd कोर्स के लिए आपका जो BEd कोर्स होना चाहिए तो ये आप MEd कोर्सेज के अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स 3 कोर्सेज, आप डिप्लोमा डायरेक्टली कर सकते हैं, बैचलर कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो तो मास्टर्स के पहले आपका जो बैचलर्स का कोर्स आपको करना जरूरी है।
अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे डिसाइड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एजुकेशन, यानी कि गाइस आप जो है प्राइवेट स्कूल में जो अपना अब आपका जो आपने डिग्री ले लिया, आपने जो है एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपने जो है सोच रहे कि कौन से लेवल को आपको पढ़ाना है, कौन से प्राइमरी सेकेंडरी आपका प्राइमरी उनको, उसके बाद आपको जो फोर्थ चीज डिसाइड करनी होगी वो ये करनी होगी कि आप जो पब्लिक स्कूल के टीचर्स बनना चाहते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल, यानी कि आप जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे या फिर प्राइवेट स्कूल में। तो यहाँ पे आपके सामने जो है दो ऑप्शन है गाइस, गवर्नमेंट स्कूल जो रहती है वो उसमें जो है एलिजिबिलिटी टेस्टिंग का आपको जो है टेस्ट देना होता है, और पब्लिक स्कूल जो रहती है उसमें जो है पब्लिक स्कूल में जो पेस भी थोड़े हाई रहते हैं, एडवांटेजेस थोड़ी ज़्यादा रहती है, आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, करियर एडवांसमेंट आपको मिलता है, आपका जो उसमें प्रमोशन भी होता है और भी बहुत सारे आपको जो उसमें फ़ायदे मिलते हैं। तो आपको अपने हिसाब से आपको जो चूज़ करना होगा कि आप प्राइवेट स्कूल देना चूज़ करेगी या फिर पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है गाइस वो आपको क्लियर करना होगा, जिसे हम सीटीटी के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो गाइस अगर आप जो टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ये क्रैक करना कंपलसरी जरूरी है, जिसे सीटीटी के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो गाइस इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में फुल डिटेल में आसानी से जान सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं लुक फॉर टीचिंग अब्रॉड प्रोग्राम्स, यानी कि गाइस अगर आप जो है फॉरेन नेशनल हो तो आप जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो फैकल्टीज जो टेम्प्रेरी टीचिंग असाइनमेंट इंडिया कॉलेजेस है उसमें भी आप जो है पढ़ा सकते हैं, आपको जो है अब्रॉड में भी ऑप्शन चांसेस मिल सकते हैं टीचिंग के। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो गया रहेगा कि आप टीचर किस तरह से बन सकते हैं, टीचिंग की डिग्री कौन सी रहनी चाहिए, टीचिंग क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, हर एक चीज़ फुल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।